जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही बेहद आसान तरीके से समझते हुए सारी हिंदी को पढ़ेंगे और आपको कहीं पर भी कठिनाई का आभास नहीं होता है होगा, ये हम आपसे वादा करेंगे। और चलते हैं हिंदी की तरफ से, तो शुरुआती दौर से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हिंदी, तो हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी का विकास कैसे हुआ, ठीक है, किस भाषा से हुआ है और कहाँ से हुआ है, तो इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है मित्र, व्यर्थ की बात हम लोग नहीं करेंगे। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो है हिंदी हिंदी कौन कौन से विषयों में, कौन कौन से एग्जाम में पूछी जा रही, तो आप सबको पता है कि यूपी टेट में आ रही है। और जो 26,000 कुछ वैकेंसी जो है यूपी पुलिस के लिए आ रही हैं, शायद 744, 26,744 वैकेंसीज हैं, तो यूपी पुलिस में भी पूछी जाएगी। और साथ ही साथ में लेखपाल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लेखपाल के लिए। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं और संपूर्ण हिंदी को क्रम वाइज पढ़ डालेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट सालों करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हिंदी के अगर हम विकास की बात करें, तो हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है या किस लैंग्वेज से या फिर किस एक क्रमानुसार हुआ है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक संस्कृत भाषा थी, सबसे प्राचीन और आधुनिक। सबसे प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। संस्कृत के बाद आई पाली, और पाली के बाद फिर किसका विकास हुआ? प्राकृत का। पाली के बाद प्राकृत का, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश या अवहट्ट का, या अवहट्ट का। इसके बाद मित्र आप भी नोट्स बनाते जाइए, ये आपके लिए बहुत ही बेहद लाभकारी होगा। तो सबसे पहले संस्कृत का, फिर पाली का, फिर प्राकृत का, फिर अपभ्रंश या अवघट का, और इसके बाद किसका निर्माण हुआ? हिंदी भाषा का जन्म हुआ, यह कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद किस भाषा का जन्म हुआ? हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो इस क्रम में आगे फिर देखते हैं, इस तरह करके हिंदी भाषा का जन्म होता है। और भाषा को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वर्ण क्या है, तो ध्वनि की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, ध्वनि की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि ध्वनि की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो वह क्या है मित्र? तो वह है क्या? वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। इतनी बात समझ में आ गई, ध्वनि की अगर सबसे सूक्ष्मतम इकाई पूछता है तो वह क्या है? वर्ण है या फिर हम अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, अब वर्ण क्या है इनको समझ लेते हैं। तो वर्ण, कुल वर्णों की संख्या देखा जाए तो 52 अर्थात 52 है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, वर्ण का से लेकर जो स्वर और व्यंजन, वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के कितने भेद हुए? दो हुए। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन भेद होते हैं। पहला जाता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। तो अगर हम बात करते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर की बात करें तो स्वर में कौन सा होता है और व्यंजन में कौन सा होता है? तो देखो, जो स्वर में होता है, स्वर में स्वर क्या होते हैं? सबसे पहले स्वर की बात करें, जो बिना
जो बिना किसी सहायता के बोले जाए। स्वर क्या होते हैं मित्रों? जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर बोला जाता है। अगर यहाँ पे बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी दूसरी परिभाषा भी बनती है व्यंजन की, और स्वर की भी बन सकती है। कैसे कहते हैं? तो देखो, इसको देखने के लिए, जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या फिर यह कह सकते हैं कि जो दूसरी परिभाषा मित्र बता रहे हैं, इसके पहले एक परिभाषा ये हो ही चुकी है, जो जो एक तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वर्ण बिना किसी जो वर्ण बिना किसी सहायता के ना बोले जा सकें। अब देखो, परिभाषा तो हमने लिखा दी आपको, लेकिन आपको समझ ये नहीं आया होगा कि ये क्या। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि हमने देखो बताया कि जो है जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। जैसे अब हम बोल रहे हैं आ बोले, तो आपको पता है कि आप में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। बड़ा आ बोले, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, इसके बाद ऋषि आता है। ठीक है, ऋषि आता है, ऋषि के बाद क्या आते हैं? ए आते हैं, आए आते हैं, और ओ आते हैं, इसके बाद औ आते हैं। तो इन्हें जब उच्चारण आप करेंगे, तो उच्चारण करते समय किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। जबकि अगर यहीं पे व्यंजन की बात करें, तो व्यंजन में देखो सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे हमने बोला का, तो का जब आप उच्चारित करेंगे तो आधा का बोलते हैं, इसके नीचे हलंत लगा होता है, फिर इसके बाद आ लगता है, तो तब जाके का पूर्णतया निर्माण होता है। तो का जो वर्ण मिलकर बना हुआ है, किससे बना हुआ है? का से और आ से। ठीक है, तो इनसे मिलकर बना हुआ है। आप ऐसे ही खा बोलेंगे, तो जो खा बोलेंगे तो आधा खा बोलेंगे और प्लस आ बोलेंगे, तब जाके आपको क्या मिलता है? खा का निर्माण होता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, दिक्कत हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपकी परेशानी को दूर करने का पूर्ण प्रयत्न करें। ठीक है, तो चलिए अब पता आ गई हो गई। व्यंजन क्या होता है? तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसी तरह एक दो देख लो भाई, हमने बोला कि छोटी की बोला, तो ये किससे बना है? ये आपको पता है कि जो यह बना हुआ है, ये क्या किससे किससे बना हुआ है? एक मिनट मित्र, बस इसे बन नहीं पाया। चलो इसको फिर बनाते हैं हम, और जो है बनाते हैं कि अब हमने कहा की बोलना है इस तरह, ये वाला की बोलना है। अब ये जो बोला जाएगा किससे बोला जाएगा? का प्लस छोटी ई। ठीक, छोटी ई का निर्माण की बनती है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग समझ। अब चलिए, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। दो स्वर अनुस्वार और विसर्ग मिला 13 हो जाएगी। ठीक है, कैसे? इसी तरह व्यंजनों की कितनी होती है? 33 होती हैं। दो द्विगुण मिलाएंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। ठीक है,
इस तरह करके हम संपूर्ण चीज को पढ़ते चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात की तो स्वर्ग को ही, ठीक है, चलो भाई स्वर्ग को पढ़ते हैं।